क्या बात है यार, तूने उसे किस भी कर लिया यार। क्या बात है, तू तो हीरो निकला यार। हाँ, और तूने वो सब भी। वो सब मतलब? वो सब मतलब वो सब। हाँ, पागल हो गया तुम लोग। आई लव हर, वो भी सच्ची वाला। वो सब अभी नहीं होगा। अबे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है तेरी, यार एन अडल्ट नाउ। पागल हो गए तुम लोग, ये सब शादी के बाद। वाह वाह, ये तो शादी तक पहुंच गया। अबे इसको क्या हो गया? This year's seniors placement is like so amazing. I just hope we get great jobs. मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि हम दोनों की placement same city में हो। और पहली salary मिलते ही ना मैं mom dad से तुम्हारी बात कर लूँगा। और अगर उन्होंने मना किया तो? मना कर ही नहीं सकते ना। मेरे dad तुमसे super impressed हैं। 98.8% उनको लगेगा कि मेरा बेटा थोड़ा और intelligent हो जाएगा। तो मैं ऐसा try कर। Nice. अच्छा सुन, now the CV, how do we? अच्छा लिसन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये वाले है ना। हाय मॉम, व्हाट्स अप? त्रिशा, बेटा किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई है। शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है और दंगे भी हो रहे हैं। तुम जहाँ हो वहीं रहना, ओके? हाँ, मैं सविता आंटी के घर पे हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, कर्फ्यू निकल जाता है ना, आई विल कम एंड पिक यू अप। ओके मॉम, you take care. Okay, ठीक है। ठीक है डैड। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई नहीं, अब कर्फ्यू तो कैसे जाएगी, जब मॉम ले रहेंगे तब चले जाना। तब तक चल करते ना, अभी सम खत्म करते हैं। कौन से सम पे थे? नंबर 2। हाँ अच्छा लिसन, I'm going home now. It's getting late और मुझे घर जाना। अरे बाबा रुक जाओ ना, जब मॉम डैड आएंगे तब चले जाना। ओके। ए ए भागो यार, ए पकड़ो उसे, पकड़ो। Oh my God, what's happening? कुछ नहीं कुछ नहीं, just relax. तुम रात यहाँ वैसे भी रुक सकते हो। I mean सुबह तक कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। We'll figure it out. You sure ना? Yeah. ऋषि, 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 somebody throw a stone over here. अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लाइट्स ऑफ कर दो और सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ।
ऋषि, हमने जो भी किया इट्स ऑल अ मिस्टेक, हमें नहीं करना चाहिए था, इट्स अ मिस्टेक ये सब। अच्छा लिसन, आई लव यू एंड यू नो दैट राइट? आई नो बट नो लिसन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। इट इज ओके, इट्स नॉट अ मिस्टेक ऋषि, बट दिस इज ऑल रॉन्ग। बाबा चिल, इट इज, हमें नहीं करना चाहिए था, इट्स अ मिस्टेक, हुन गो होम। लिसन, इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट्स ओके। इट्स नॉट, आई एम गोइंग होम। त्रिशा, नो त्रिशा, अच्छा लिसन, कुछ नहीं होगा, अब बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं, मे बी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। ऋषि, इट्स नेवर बीन कि 2 months, आई हैव नेवर मिस्ड इट, दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी एवर बिफोर। बाबा प्लीज डोंट क्राई, मुझे कितना बुरा लगता है टू पुट यू इन ऑल द ऑल दिस, आई मीन एक बार बस डॉक्टर को मिल लेते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? त्रिशा, त्रिशा कपूर। कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? गायनेकोलॉजिस्ट। आपके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को, डेली 3 से 4 केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। क्या सिखाते हैं माँ बाप आपको, स्कूल में क्या सिखाया जाता है आपको? चलिए बैठिए, बुलाती हूँ डॉक्टर को। ऋषि, मुझे घर जाना, I don't want to stay here, please, मुझे बहुत डर लग रहा है। जस्ट चल, अब कोई और डॉक्टर को देखते हैं। Just, let's go, please. फ्रेंड है ना, वो आजकल बहुत अपसेट है। क्यों? मॉम, शी इज व्हाट? शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? ये कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ मॉम, आप उसे नहीं जानते। अच्छा है कि तुम भी उसे ना जानो, एंड डोंट कॉल हर योर फ्रेंड। आजकल के माँ बाप कैसे वैल्यूज देते अपने बच्चों को। त्रिशा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके साथ मिलने जुलने के लिए, ओके? वो तुम्हारी कॉलेज की है? अच्छा है, वरना अभी मैं तुम्हारे कॉलेज फोन करके ये बताती। ओके। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे कॉलेज का रिहर्सल और फंक्शन चालू है ना, कम ऑन गो, 6 o'clock हो गए हैं और तुम्हें तैयार भी नहीं होना है, जाओ गो एंड गेट रेडी। त्रिशा, ये क्या है, आजकल तुम कितनी अनएनर्जेटिक हो गई हो, किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती हो बेटा? और तुम पहले से मोटी भी हो गई हो। थैंक्स गाइस, आप सब लोग यहाँ पे आए, आज मेरे और त्रिशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। अब तक तो पूरा क्लास, नो एक्चुअली पूरा कॉलेज जान चुका है हम दोनों के बारे में, दैट वी बोथ लव ईच अदर। अरे वो तो हमें पता है यार। व्हाट इज ऑल दिस? बट मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से त्रिशा आज सफर कर रही है।
और यहाँ मैं उसे मिस्टेक को सुधारने आया हूँ. What mistake, dude? ऋषि, नो. Trisha and I, we are about to have a baby. It's not funny, guys. जब तक हम लोग ये सब समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. त्रिशा को बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना था और मैं बहुत डर गया था. त्रिशा, I'm really very sorry. जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज नोबडी टॉट मी. उस दिन जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी आई थॉट तुम हमेशा के लिए चली गई एंड इट किल्ड मी. ये चेन है, मॉम की है. दादी ने उनको दिया था. एंड आई नो कि अगले 3 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकता. पैट्रिशा, ट्रस्ट मी, मैं 3 साल बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज तुमसे कहता हूं. ये मॉम का चेन एक प्रॉमिस है कि मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा. और वैसे भी प्यार उम्र देख के थोड़ी बदलता है. Will you please accept it? ये फायदा उठाया तुमने हमारी दी हुई आजादी का? विश्वास से नहीं होता. मैंने तो हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है और तुमने अब सॉरी बोल के क्या फायदा? मैंने हमेशा बुरी नजरों से ऐसी लड़कियों को देखा है पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ही बेटी ऐसे निकलेगी. मेरी ही गलती थी जो तुम्हें कोएड कॉलेज में भेजा. लड़की की जिंदगी बर्बाद की तूने. क्या कहती थी तुम? मैं बेकार में डांटता हूं इसे, है ना? देख लो क्या गुल खिलाया है इसने. यही गलत थी,
मैं सोचती थी तू समझदार हो गया है। दिखा दे तूने अपनी समझदारी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी तुझसे। देखिए ये कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो सरासर गलत है। गलती आपकी है। आपके कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये आपका कॉलेज है, ये शादी का मंडप। अगर आप बच्चों को नहीं संभाल सकते तो कॉलेज बंद कर दीजिए। गलती आपके बच्चों की है। इतने सालों में ये पहला केस है। पॉकेट मनी तो अपने बाप से लेता है, चला है बाप। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम, उसका क्या ख्याल रखोगे। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, ये हमारी गलती है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, इस पूरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। आई एम 18, मैं वोट देकर एक गवर्नमेंट चूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर नहीं। डैड, आई एम 18, दो साल बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके एक साल बाद आई स्टार्ट अर्निंग। सिर्फ 3 साल की बात है, सिर्फ 3 साल की बात है। आई प्रॉमिस, मैं ट्रिशा का और बेबी का दोनों का ख्याल रखूंगा। डैड, आई एम ओनली आस्किंग फॉर 3 इयर्स। प्लीज लेट्स कीप द बेबी। जो कुछ भी वो हमारी गलती है, उसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। डैड, अब तक तो बेबी की फिंगर्स, टोज, आई डोंट नो। प्लीज डैड, प्लीज लेट्स कीप द बेबी। इतनी बेहुदा हरकत करने के बाद अभी ये स्पीच दे रहा है, तुम्हारे खिलाफ तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा बेटा अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गलती आपके बेटे की भी है। रहने दीजिए, मेरी बेटी इनोसेंट है, गलती आपके बेटे की है।